हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले कुछ एपिसोड से हम सीक्रेट वॉर्स के मेन इवेंट को शुरू कर चुके हैं, जहां तक हमने देखा मल्टीवर्स की डिस्ट्रक्शन के बाद डॉक्टर डूम की बनाई दुनिया में पिछले यूनिवर्स की दो लाइफ राफ्ट्स को खोला जा चुका है, जिनमें से एक पर रीड रिचर्ड और हमारे हीरो सवार थे, तो एक पर थैनोस मेकर और ब्लैक ऑर्डर। डूम इन सभी को पकड़ने के लिए थॉर्स की एक पूरी सेना भेज देता है, लेकिन काम नहीं बना, सिचुएशन हाथ से निकल रही थी। तो तब खुद डूम को बैटल फील्ड में आना पड़ा। वो आते ही सबको मारने लगता है, जो देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने साथियों को कहीं दूर टेलीपोर्ट कर देता है। उन्हें मरते नहीं देख सकता था। ये चीज़ डूम को पसंद नहीं आई, इसलिए फिर उसने अपने इकलौते दोस्त डॉक्टर स्ट्रेंज को ही मार डाला, जो वो करना नहीं चाहता था लेकिन किया। अब गाइस, ये पिछले एपिसोड्स का एक छोटा सा रीकैप था, उन्हें डिटेल में देखने के लिए यहाँ क्लिक करना या लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। अब चलिए बिना किसी देर के सीक्रेट वॉर्स के फोर्थ एंड लास्ट एपिसोड को शुरू करते हैं। इस डॉक्टर स्ट्रेंज की डेथ के बाद डूम कैसल में एक शोक रखा गया था। ये बहुत दुख की घड़ी है, एटलीस्ट सुजन स्टॉर्म और उसके बच्चों के लिए तो थी ही, लेकिन एक सवाल था जो सुजन की बेटी वैलेरिया के मन में खटक रहा था। आखिर गॉड डूम के होते हुए वो लोग शेरिफ स्टीफन को कैसे मार पाए? इस बात का जवाब डूम के पास नहीं था, क्योंकि उसी ने खुद स्ट्रेंज को मारा है। इसलिए वो बात को घुमाने लगा और कहता है, तुम उन्हें ढूंढोगे वैलेरिया, जिन्होंने मेरे दोस्त को मारा है ना। इस वैलेरिया को अभी भी अपने पिता डूम पर विश्वास था, इसलिए वो भी मान जाती है और कहती है, हाँ फादर, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगी। चाहे डूम अभी एक गॉड ही क्यों ना हो, लेकिन ये सब उसके लिए भी अब काफी स्ट्रेसफुल हो चुका है। वो स्टीफन को कोसने लगा, डैम यू स्टीफन, और फिर उसी के स्टैचू के नीचे एक चैम्बर में चला आया। यहाँ एक बहुत तेज सफेद रोशनी थी, डूम अंदर जा रहा है, और तभी हम क्या देखते हैं, अंदर तो मॉलिक्यूल मैन था। यहीं से हमें पता चलता है, जब मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो रहा था तो वो मॉलिक्यूल मैन यानी ओएन रीस ही था, जिसने बियॉन्डर्स को हराने में डूम की मदद की थी। एक्चुअली गाइस, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, मॉलिक्यूल मैन एक बॉम्ब की तरह है, जो बियॉन्डर्स के बनाए यूनिवर्सिस को खत्म करने के लिए खुद बियॉन्डर्स ने ही बनाया था, बिल्कुल एक डिवाइस की तरह। लेकिन उन्होंने इसे बनाते वक्त एक गलती कर दी थी, बियॉन्डर्स ने इसे एक इंसान की तरह बनाया, यानी इसके पास सोचने समझने की शक्ति थी। इसलिए ओएन रीस खुद उन्हें धोखा देकर डूम का साथ दे देता है। उसने अपने क्रिएटर्स को मार डाला और उनकी शक्ति इसी जगह स्टोर कर दी, ताकि डूम एक गॉड बन सके। डूम उसके पास खड़ा था, वो कहता है, स्टीफन नहीं रहा। लेकिन गाइस, ये सुनकर मॉलिक्यूल मैन हैरान नहीं हुआ, हाँ मैंने सोचा था, बेचारा वो भी तुम्हारे प्लान्स में कब तक टिक पाता। ओएन रीस सिर्फ यही कहता है, तो फिर डूम वहाँ से चला गया। इसके बाद हमारी कहानी एक रेगिस्तान में पहुंच जाती है। यहाँ वैलेरी अपने साथियों के साथ थैनोस और रीड रिचर्ड इन सब का पता लगा रही थी, आखिर ये सब हैं कौन, आए कहाँ से और अभी कहाँ हैं। पर एलेक्स उसे बताता है, ये जो भी है इनकी रीडिंग्स पूरे बैटल वर्ल्ड में अलग है, बिल्कुल गॉड डूम की तरह, यानी इस दुनिया के नहीं है, एटलीस्ट अभी तो हमें यही लगता है। ये सुनते ही वैलेरिया समझ जाती है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अगर मेरे पिता इन्हें इस तरह पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं, तो उन्हें पता होगा ये कौन है, लेकिन उन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला। ये डाउट ऑफ वैलेरिया के मन में उठ चुका है। इसी वक्त थैनोस कहीं कुछ देख रहा था, कुछ बड़े बड़े स्टैचूज जो पता नहीं किसके थे। यहाँ थॉर्स के हैमर भी पड़े हुए हैं। एंड देन गाइस, हमने देखा ये शील्ड के पार का एरिया था, यानी वही जगह जहाँ एनहाइलेशन होर्ड, ज़ॉम्बीज, अल्ट्रॉन के रोबोट्स, ये सब है, यानी थैनोस और बाकी वो सब जो पिछले यूनिवर्सिस से आए हैं, वो सही में पावरफुल हैं। इसके 3 महीने बाद हम देखते हैं डूम कैसल में कॉर्वस क्लेव एंड प्रॉक्सिमा मिडनाइट को पकड़ लिया गया है। वैलेरिया डूम के सामने ही थी, डैड आई एम सॉरी, हम उनको पकड़ नहीं पाए, जो यारो झूठ है, क्योंकि हमें पता है इसके साथियों ने थैनोस और रीड के दोस्तों को ट्रैक करने का सिस्टम ढूंढ निकाला है, और वो अभी कहाँ है, प्रोजेक्ट 42 के अंदर, जो पता नहीं लेकिन किसी बींग की डेड बॉडी से बनी सीक्रेट लैब थी। रीड और मेकर अब साथ काम कर रहे हैं, और करना ही पड़ता, दुश्मन का दुश्मन दोस्त जो होता है। डूम को मारना भी इनका मकसद बन चुका है, लेकिन ये ऐसा कर पाएंगे या नहीं ये रीड नहीं जानता। तभी मेकर उसे बताता है, फिक्र मत करो, मेरे कुछ प्लान्स हैं, मेरे आदमी शुरू हो चुके हैं, वो सब संभाल लेंगे। तो गाइस, मेकर ने यहाँ आते ही रेवल्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, यानी वो लोग जो डूम के रूल को नहीं मानते। बस अब एक चीज़ पता लगानी थी, डूम को आखिर इतनी पावर मिली कहाँ से और इसका सोर्स क्या है। ये जानने के लिए स्पाइडरमैन और माइल्स वहाँ से निकल चुके थे। मेकर और रीड ने उन्हें एक जगह के बारे में बताया था जो बहुत ज़्यादा एनर्जीज फ्लक्चुएट कर रही है, एंड ये डूम कैसल में थी, वहीं पर जहाँ स्टीफन स्ट्रेंज की मूर्ति रखी पड़ी है। माइल्स एंड स्पाइडी वहाँ कुछ अनयूजुअल ढूंढने लगे, यहाँ कुछ तो अजीब था, एंड तभी वैलेरिया उनके सामने आ खड़ी होती है। गाइस, वो भी डूम के पावर सोर्स का पता लगाते लगाते यहाँ पहुँची थी। उसे पता है वो जगह कहाँ है, लेकिन उस जगह के बारे में बताने से पहले वो स्पाइडी एंड माइल्स से पूछती है, आखिर तुम लोग हो कौन और आए कहाँ से हो। स्पाइडी बड़ा हैरान था, वेल तुम हमें नहीं जानते, हम तुम्हारे दोस्त हैं, वैल ने पूछा, लेकिन कैसे। अच्छा ये छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुमने स्टीफन स्ट्रेंज को मारा था, स्पाइडी सीधे तौर पर मना कर देता है। तो वैल ने कहा, ठीक है तुम अंदर जा सकते हो,
फिर गाइस अंदर पहुंचते ही स्पाइडर माइल्स का सामना मॉलिक्यूल मैन से होता है। ये उसे यहाँ देखकर काफी हैरान थे एंड ऐसे बात करने लगे मानो रीस इनका कोई दोस्त हो। इवन मॉलिक्यूल मैन के कहने पर माइल्स ने तो उसे अपना 3 हफ्ते पुराना बर्गर भी दिया। लेकिन पीटर को एक बात समझ नहीं आ रही थी, हमें यहाँ डूम की पावर का सोर्स पता लगाना है, लेकिन यहाँ इस व्हाइट लाइट के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा। बस ओएन रीस यानी मॉलिक्यूल मैन कहता है, ओह पीटर, तुम उसी को देख रहे हो। मैं ही वो पावर हूँ जो इस दुनिया को होल्ड करे हुए है, डूम की शक्ति का सोर्स। इसके बाद गाइस हम देखते हैं डूम ने अपने बैरन्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। वो थैनोस और रीड के दोस्तों को नहीं छोड़ेगा, लेकिन उससे पहले उन्हें किंगडम में चल रहे दंगों को संभालना था जो रेवल्स खड़ा कर रहे यानी मेकर के ही साथ ही। वहीं इसी बीच उधर टिचाला एंड नमोर आइलैंड ऑफ अगोमट पर पहुंच चुके थे। ये यहाँ उस चीज़ को ढूंढने आए हैं जो स्टीफन ने उन्हें मरते हुए बताई थी। लेकिन गाइस जैसे ही ये दोनों अंदर घुसे वैसे स्टीफन का होलोग्राम उनके सामने आ जाता है। वो कहता है, अगर तुम फेलोज यहाँ तक आ चुके तो इसका मतलब मैं मर चुका हूँ और तुम्हें वो चीज़ें चाहिए जो डूम के खिलाफ यूज़ होंगी। लेकिन पहले तो सवाल ये उठता है कि मैंने तुम्हें यहाँ अपनी मर्जी से भेजा या फिर तुम मुझे मार कर यहाँ घुसे हो। ये सुनते टिचाला ने कहा, इल्यूमिनाटिस। एंड ये शब्द सुनते ही स्टीफन का होलोग्राम समझ गया ये उसी के दोस्त है। वो उन्हें उस डायरेक्शन में भेज देता है जहाँ वो चीज़ें पड़ी थी जो डूम के खिलाफ उनकी मदद करेंगी। पहला एक आर्टिफैक्ट था जो टिचाला और सबको बैटल वर्ल्ड में कहीं भी बेच सकता है एंड सेकंड खुद इन्फिनिटी स्टोन्स थे। अब गाइस तुम्हें पता है कॉमिक्स में इन्फिनिटी स्टोन सिर्फ अपने यूनिवर्स के लिए काम करते हैं, बाहर ये काम नहीं करते। और बैटल वर्ल्ड डिफरेंट यूनिवर्सेस के पार्ट से बना है, इसलिए टिचाला इन्हें सिर्फ डूम कैसल के एरिया में ही यूज़ कर सकता है जो एक्चुअली उसी सेम यूनिवर्स का हिस्सा था जहाँ से ये स्टोन्स आए हैं। इसके बाद हम देखते हैं थैनोस शील्ड यानी बॉर्डर के उस एरिया में बैठा था, वो यहाँ किसी से बात कर रहा है। ये बेन है, फैंटास्टिक फोर का मेंबर। डूम ने उसे यहाँ पूरी उम्र के लिए किंगडम के खतरों को रोकने के लिए रखा था, यानी सिम्बियोट ज़ॉम्बीज़ एंड एनिहिलेशन होर्ड को रोकने के लिए। थैनोस उसे कहता है, मेरी मदद करो बेन, क्योंकि मैं एक सीक्रेट जानता हूँ। इस थैनोस बेन को सब कुछ बताने लगा जो वो फैंटास्टिक फोर के बारे में जानता है। वो बताता है डूम ने उन्हें धोखा दिया है, उसके बनाई ये सारी दुनिया जो रियल तो है लेकिन इस तरह नहीं होनी चाहिए थी। जो सुनते ही बेन शील्ड की दीवार से उठ खड़ा हुआ, वो एक बहुत बड़े साइज में है, शायद डूम ने उसे ऐसा बनाया होगा। उधर इसी वक्त रेवल्स का लीडर द प्रॉफिट अपनी सेना को तैयार करना शुरू कर चुका है। इनका इसी मैक्सिमस था, थैनोस का साथी, उसने जंग की शुरुआत कर दी, उसकी सेना डूम गार्ड से भिड़ जाती है। डूम ये सब देख रहा था लेकिन अभी वो इस चीज़ को सीरियस नहीं लेता। लेकिन सुजन उसे बता देती है, ये कोई नॉर्मल सिनेरियो नहीं है विक्टर, तुम सब खो दोगे अगर तुमने कुछ नहीं किया तो। सुनते डूम कहता है, तो ठीक है फिर थॉर्स को समन करो। इस वक्त वहाँ रीड और मेकर भी निकलने के लिए तैयार थे, उन्होंने रेवल्स को एक डीकोय की तरह यूज़ करा था। मैक्सिमस अपनी सेना के साथ डूम गार्ड्स और बैरन्स को संभालेगा, तो वहीं ये स्टार लॉर्ड की शिप के साथ कैसल डूम पर हमला कर देंगे। लेकिन ये डूम को खुद नहीं मार पाएंगे, बल्कि उसके लिए तो टिचाला आ रहा है। वो रीड से कॉन्टैक्ट करता है, रीड हम रेडी हैं। तो रीड ने कहा, टिचाला अब अपने सीक्रेट प्लान को अनलीश करो। एंड फिर हम क्या देखते हैं, ब्लैक पैंथर एक ढलान से कूदता हुआ शील्ड की उस दीवार को तोड़ देता है जिसके पार ज़ॉम्बीज की एक पूरी सेना थी। वो भी ऐसे वैसे ज़ॉम्बीज नहीं बल्कि सुपर पावर्ड ज़ॉम्बीज। टिचाला उन्हें कहता है, अगर तुम सब इस तरह नहीं रहना चाहते तो उस दरवाजे के पार जाओ, कुछ बैटर तुम्हारा वहाँ इंतजार कर रहा है। एक साथ हम एक झूठे गॉड का सामना करेंगे, पता है इसे क्या कहते हैं, ग्लोरी एंड ऑनर। उधर बैटल फील्ड पर अब सिचुएशन और अजीब हो रही थी, क्योंकि कैप्टन मार्वल एंड मिनिस्टर सिनिस्टर ने खुद डूम को ही धोखा दे दिया है, उसके गार्ड्स पर अटैक करने लगे। लेकिन तभी ये देखते ही अपोकलिप्स वहां पहुंचता है, उसने आते ही मिनिस्टर सिनिस्टर का गला काट दिया। ये मरेगा नहीं हमें पता है, लेकिन ये कुछ कर भी नहीं पाएगा। गाइस फ्रैंकलिन द मोस्ट पावरफुल म्यूटेंट और सुजन का बेटा ये सब देख रहा था। वो डूम को कहता है, डैड ये सब क्या हो रहा है। तो डूम ने कहा, फिक्र मत करो बेटे, थॉर्स वहां जा रहे हैं। यार थॉर्स तो आपस में ही लड़ रहे हैं, एक्चुअली उस यंग थॉर ने जो ओल्ड थॉर के साथ था उसने सभी थॉर्स को सारी सच्चाई बता दी थी कि कैसे डूम ने उन्हें धोखा दिया, कैसे ये दुनिया सिर्फ एक झूठ है। कुछ थॉर्स डूम के साथ थे इसलिए वो उनसे लड़ने लगे जो यंग थॉर पर विश्वास कर बैठे थे। लेकिन तभी एक माइटी थॉर ने कहा, रुको सभी, हम गॉड ऑफ थंडर्स हैं, किसी के गुलाम नहीं, चाहे हमें कुछ याद है या नहीं, लेकिन डूम ने सच में हमें धोखा दिया है, अब कौन मेरे साथ बैटल में आएगा। एंड ये सुनते ही सभी थॉर्स डूम कैसल से निकलकर डूम की सेना पर ही अटैक कर देते हैं। अभी एक बहुत बड़ी और ब्लडी वॉर बन चुकी थी, हर कोई एक दूसरे को मारना चाहता है। एंड तभी हम क्या देखते हैं, माएस्ट्रो हल्क भी अपनी हल्क्स की सेना के साथ वहां पहुंच जाता है। उसने सिर्फ यही कहा, वर्ल्ड ब्रेकर्स हमला करो। एंड फिर हल्क की एक पूरी फौज बैटल फील्ड पर,
लेकिन गाइस ये डूम के साथ नहीं थी, बल्कि ये खुद डूम को मारना चाहते हैं। मतलब अब उसे महसूस होगा धोखा क्या होता है। उधर रीड एंड मेकर स्टार लॉर्ड के साथ डूम के कैसल की तरफ बढ़ रहे हैं, पर तभी हल्क उनकी शिप से जा टकराता है। इंजन एकदम से फेल हो गए, स्टार लॉर्ड के लिए शिप को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। इसी बीच गाइस द थिंग भी डूम के कैसल पर हमला कर देता है। ये डूम ने नहीं सोचा था, सुजन के लिए बहुत बुरी खबर थी क्योंकि बेन उसका दोस्त है और अब वो भी उनके खिलाफ हो चुका है। लेकिन गाइस तभी गैलेक्टस फ्रैंकलिन के साथ द थिंग के सामने आ खड़ा हुआ। वो फाइट करने लगे, द थिंग ताकतवर था लेकिन गैलेक्टस उसे खत्म कर देता है। गाइस ये वॉर बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रही थी, कौन किसको मारना चाहता, सभी एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। एंड अब तो थैनोस भी एनिहिलेशन हॉर्ड के साथ बैटल फील्ड में आ गया। वहाँ रीड और मेकर की शिप क्रैश कर चुकी थी। वो डूम की पावर के सोर्स की तरफ जाने लगे जो स्पाइडर माइल्स ने ढूंढा था, लेकिन स्टार लॉर्ड अकेला रह जाता है, जिस पर मॉलिक्यूल मैन की वेवन ब्लैक स्वान अटैक कर देती है। उसने पीटर क्विल को कमजोर समझा, वो उसे मारने वाली थी, पर स्टार लॉर्ड ने कहा, अभी कहा, तुम रुको तो सही। एंड कैसे बड़ी अजीब बात थी, लेकिन स्टार लॉर्ड एक लकड़ी के टुकड़े से वर्ल्ड ट्री में कैल ग्रूट को आजाद कर देता है, जो बहुत बड़े साइज में था, जिसने आते ही डूम कैसल को उड़ा कर रख दिया। सब तबाह होने लगता है। रीडा उन स्टैचूज के पास पहुंच चुका था जहां मॉलिक्यूल मैन है, यानी डूम की पावर का सोर्स, बट सुजन स्टॉर्म उसके सामने खड़ी थी। वो उसे रोकने की कोशिश करती है, उसे नहीं पता रीड कौन है, लेकिन रीड उसे देखकर हेलो कहता है और उस चैम्बर के अंदर चला जाता है। उसे सब जल्दी करना होगा, वरना डूम को पता लगा कि रीड मॉलिक्यूल मैन के पास है तो वो मारे जाएंगे। लेकिन यही सिचुएशन ना हो, इसलिए थैनोस अब डूम के सामने खड़ा था, द मैड टाइटन, जिसने एक वक्त पर इन्फिनिटी स्टोन्स को यूज़ करके पूरे यूनिवर्स की बाट लगा दी थी। डूम उसे देखकर काफ़ी प्रेज करता है, क्योंकि उसने सोचा नहीं था थैनोस ये सब कर पाएगा। लेकिन डूम ने कहा, तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम्हें चाहिए, अब मेरे सामने झुक जाओ। ये सुनते ही थैनोस की सटक जाती है, झुक जाओ, पागल हो क्या, तुम मेरे सामने घुटने टेकोगे, बेशक मेरे पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट नहीं है, लेकिन मैं अभी ग्रेट टायरेंट थैनोस हूँ और वो तुम्हारे लिए काफ़ी है। बट गाइस डूम तभी थैनोस की छाती में हाथ डालकर उसकी हड्डियां तक बाहर निकाल लेता है। इट वॉज ट्रूली शॉकिंग, इतना शॉकिंग कि एनिहिलेशन ये देखकर डर गया। वो पहले डूम के खिलाफ था, लेकिन अब डूम के साथ। डूम उसे सबको मारने का ऑर्डर देने वाला था, लेकिन तभी हम क्या देखते हैं, ज़ॉम्बीज का एक पूरा होर्ड बैटल फील्ड में पहुंच चुका है, जिन्हें देखकर डूम की सट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि ये ऐसे बींग थे जिन्होंने बड़े बड़े कॉस्मिक बींग्स को इन्फेक्ट कर दिया था। ज़ॉम्बीज आते ही सबको इन्फेक्ट करने लगे, चाहे वो हल्क्स हों या थॉर्स। एंड तभी हम देखते हैं पीछे टिचाला नमोर भी निकल आए, जो उन ज़ॉम्बीज को लीड कर रहे थे इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ। टिचाला डूम के सामने था, उसने आते ही डूम को शीशे का बना दिया और नमोर शीशे के डूम को तोड़ देता है। ये काफ़ी आसानी से हो गया, नमोर को तो यही लगा, लेकिन ऐसा नहीं था। डूम फिर उठ खड़ा हुआ, उसने टिचाला पर एक पावरफुल बीम दे मारी, जिसमें नमोर मारा जाता है। गाइस दो गॉड्स के बीच अब ये मंजर इतना भयानक हो चुका था कि सभी लड़ाई छोड़ उन दोनों की तरफ देखने लगे, चारों तरफ ब्लास्ट हो रहे थे। बट उधर अब रीड एंड मेकर मॉलिक्यूल मैन के चैम्बर में पहुंच चुके हैं। ओएन उन्हें देखकर हैरान नहीं था, वो तो उल्टा कहता है, तो तुम आ ही गए रीड, वैसे मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए लाए हो? रीड ने कहा, आई एम सॉरी ओएन, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम यहाँ होगे, वैसे कैसे हो तुम? गाइस रीड मॉलिक्यूल मैन से ये सब पूछ ही रहा था कि तभी मेकर उसे एक बबल में कैद कर देता है, जिसने उसे धोखा दे दिया। अब रीड एक ऐसे एनवायरनमेंट में था जो उसके लिए टाइम को पीछे ले जा रहा है, वो एक बंदर में बदलने लगा। मेकर कहता है, हमारा साथ यहीं खत्म होता है रीड, क्योंकि कोई भी तुम्हारे जैसे रोते हुए गॉड के लिए इंटरेस्टेड नहीं होगा। गाइस मेकर इस चैम्बर की पावर को खुद के लिए हासिल करने वाला है, लेकिन अभी मॉलिक्यूल मैन कहता है, मैं इस तरह के गॉड के लिए इंटरेस्टेड हूँ। एंड फिर उसने ये कहते ही मेकर को स्लाइसेस में बदल दिया। गाइस मॉलिक्यूल मैन रीड का साथ दे रहा है, वो उसे कहता है, रीड, ओए रीड, तुम्हें जल्दी उठना होगा बॉय, वो जल्दी यहाँ आ जाएगा। तो यार उधर डूम और टिचाला के बीच बैटल अभी भी चली हुई है, लेकिन तभी वो ब्लैक पैंथर को ओवर पावर करने लगा, यानी इन्फिनिटी स्टोन्स तक अब उसके खिलाफ फीके पड़ रहे थे। एक पंच के साथ टिचाला नीचे गिर जाता है, बट वो डूम को देख के हंसने लगा। तो डूम कहता है, मरने के वक्त भी तुम हंस रहे हो क्यों? एंड गाइस तभी उसे समझ आया, ये सब सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन थी। डूम तभी वहाँ से टेलीपोर्ट होकर रीड के पास पहुँच गया। रीड अभी भी जख्मी था। डूम ने कहा, अब बस, तुमने बहुत खेल खेल लिया, अब तुम मरोगे रीड। एक चुटकी बजाते ही डूम उसे मारने वाला था, लेकिन ये क्या? गाइस कुछ नहीं हुआ। ये देखते रीड उस पर कूद पड़ता है। मॉलिक्यूल मैन ने डूम से उसकी शक्ति छीन ली थी। रीड और डूम दोनों फाइट करने लगे। रीड ने कहा, तो अब बताओ विक्टर बिना पावर के कैसा लग रहा है?
तुमने मेरी फैमिली को चुराया, मुझे चोट पहुंचाई, अब मैं वो सब खत्म कर दूंगा, तुम्हारे इस वर्ल्ड को भी। इस पर डूम ने कहा, और फिर क्या करोगे, खुद गॉड बन जाओगे, तुम ये सब नहीं संभाल सकते रीड, तुम एक कायर हो। बट कैसरीड कहता है, नहीं मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं तुमसे बेटर हूँ। और बूम, एक पावरफुल ब्लास्ट के साथ, बैटल वर्ड के साथ साथ वहाँ मौजूद हर कोई खत्म। ऐसा लगा था पर ऐसा हुआ नहीं। एक्चुअली रीड रिचर्ड ने अब बियॉन्डर्स की पावर हासिल करके फिर से पहले के मल्टीवर्स को रिस्टोर कर दिया, बिल्कुल सेम नहीं लेकिन उसके ही जैसा, या फिर कहीं तो उससे भी काफ़ी बेहतर। टचाला सीधे अपने घर वकांडा पहुंच जाता है, उसके लोग जिंदा थे, उसे विश्वास नहीं हो रहा। इसके 8 महीने बाद सब कुछ अभी भी धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है। मॉलिक्यूल मैन माइल्स को बर्गर के लिए थैंक्स कहता है और फिर वो दोनों वहाँ से चले गए। बट फ्रैंकलिन अभी भी अपनी और अपने डैड की पावर से दूसरे अल्टरनेट यूनिवर्सेस को क्रिएट कर रहा था। वह सब कुछ ठीक हो चुका है, इवन डूम का चेहरा भी, जिसके साथ ही वो भी हंस पड़ता है। और ये कॉमिक भी यहीं पर एंड होती है। नाउ गाइस, ये लास्ट एपिसोड था, इसके आगे आप और क्या देखना चाहते हो ये जरूर बताना। पिछले पार्ट नहीं देखे तो यहाँ से देख सकते हो। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। नाउ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।